बेंगलोर ने हैदराबाद को हराया और चेन्नई ने दिल्ली को हराया, क्या आप मानेंगे मदन सर की दोनों मैच एक तरफा रहे, बहुत आसानी से फैसला हो गया? हाँ, बहुत एक तरफा ही रहे, क्योंकि देखिए आज का जो मैच चेन्नई और दिल्ली का हुआ है, मैं समझता हूँ कि चेन्नई ने दिल्ली के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी है, क्योंकि जब से MS धोनी आए हैं तब से जो चेन्नई सुपर किंग है उनका उनका कहते हैं ना कि एकदम परफॉर्मेंस है, एकदम चेंज हुई है। अब जो टॉप से जो उनके बल्लेबाज और रन भी बना रहे, ऋतु राज गायकवाड़ भी रन बना रहा है, डेवन गनवाने बनाए हैं 87, गनवाने कमाल कर दिया, 87 और शिवम दुबे ने भी 32 रन बनाए और धोनी ने खुद 21-22 रन बनाए, 21 रन धोनी ने बनाया सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो देखिए जब 208 का टोटल बन जाता है तो इसको चेंज करना इतना आसान नहीं रहता, बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि चेन्नई ने आज बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है। और क्या है कि यहाँ पे चेन्नई के पास जो एक्सपीरियंस है ना MS धोनी का, वो बड़ा काम आता है। मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी थी शुरू शुरू में चेन्नई सुपर किंग की और रविंद्र जडेजा को बनाया था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसको ग्रूम करना चाहते हैं, ग्रूम करना भी चाह रहे थे। उन्होंने पहले भी कहा है कि वो हमने रविंद्र जडेजा को पहले ही कह दिया था, पर रविंद्र जडेजा का जो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिप आया तो उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी। उसके बाद आप देखिए तो चेन्नई जो है बिल्कुल डिफरेंट टीम लग रही है, हर खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहा है, और क्या है कि MS धोनी को गेम को रीड करना बड़ा अच्छा आता है, और हर खिलाड़ी को ना वो स्पेस देता है, और जब वो किसी सब खिलाड़ी को स्पेस मिलती है परफॉर्म करने का मौका देता है तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। एक मैं MS धोनी की बात खास बताना, सिमरनजीत जो है दिल्ली का लड़का है, इसके दो पहले मैच जो है खराब गए हैं, तो उसने क्या किया कि उसको खिलाया, तीसरा भी खिलाया, आज खिलाया, पर आज उसकी परफॉर्मेंस 4 ओवर में 24 रन और 2 विकेट लिए। ये बात होती है जो मैं कहना चाह रहा था कि MS धोनी की खासियत है, जो एक यंगस्टर को लेकर आए, उसको पूरा मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेल करने का मौका दे रहे हैं। आज ऐसा लग रहा था कि हाँ वाकई उसने गेंद अच्छी की है, और मैं समझता हूँ कि MS भी और उनकी टीम मैनेजमेंट जो फ्रेंचाइज वो भी खुश हुए होंगे। बाकी देखिए उन्होंने खेली क्रिकेट बहुत अच्छी है, तो दिल्ली के पास कोई जवाब ही नहीं था इसका। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जितनी तारीफ महेंद्र सिंह धोनी की जाए कम है, लेकिन आपने सिमरनजीत की बात की, 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, लेकिन आज दिल्ली के गेंदबाजों की सर आप बाकी गेंदबाजों की तारीफ करेंगे? सर मुकेश चौधरी 2 विकेट, सिमरनजीत 2 विकेट, महेश तीक्ष्णा 1 विकेट, ब्रावो 2 विकेट, मोइन अली 3 विकेट, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसने विकेट नहीं लिया, और सबका इकोनॉमिक रेट जो था, अगर सबसे ज्यादा ब्रावो ने सर 9 रन के हिसाब से रन दिए, तो ये देखिए जब इसको आप किस तरह देखते हैं सर? नहीं, मैं इसको मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखता हूँ। जितने भी बॉलर है जिन्होंने आप में अभी जो नाम बताए हैं, डेवन ब्रावो या मुकेश चौधरी या उनके जितने भी मोइन अली, उनका परफॉर्मेंस देखिए, मोइन अली हुआ, मुकेश चौधरी हुआ, सभी ने शानदार हाँ, और महेश ने भी 1 विकेट निकाला है। हाँ महेश भी 1 निकाला। देखिए ये जब ऐसी परफॉर्मेंस होती है तभी तो दिल्ली की टीम जो इतना 107 रन बना पाई, उन्होंने रन बने ही नहीं उनके, और ये दिल्ली के लिए बहुत, ये जो मैच है जो इन्होंने हारा है ना, ये दिल्ली के लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर गया है कि आप इनको क्वालिफाई करने की भी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो सर क्या ये 208 रन का प्रेशर था, 209 रन जो लक्ष्य थे वो था, क्योंकि मार्श सिर्फ 25 रन और वो उनका हाईएस्ट स्कोर है, तो ये हुआ क्या? 16 पे पहला विकेट गिर गया, उसके बाद लगातार रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गिरते रहे सर। और देखिए स्कोर बोर्ड का प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि जब आप 208 रन चेज करें या तो आपको अच्छा स्टार्ट मिले, अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मिला डेविड वार्नर अगर वो इनको अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाए, और उसके बाद शिखर भारत भी जो उन्होंने खिलाया 8 रन पे आउट हो गया सर। हाँ मिचेल मार्श जैसे आप कह रहे हैं कि 25 रन उन्होंने बनाए हैं सर, और ऋषभ पंत 21 रन, और इनका जो है ना ऋषभ पंत, ये एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो कि मैच जिता नहीं पा रहा है दिल्ली को, क्योंकि सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, और उनके खड़ा रहना मैच जिताना, मैं हमेशा आपसे बात करता हूं कि जब तक ऋषभ पंत है तब तक आशय बनी रहती है, और उसके बाद रोमन पॉवल थे वो भी आज जो है वो इतने रन नहीं बना पाए, तो इसी वजह से जो मैं समझता हूं कि दिल्ली की टीम सिर्फ 117 रन ही बना पाई।
तो आज फुल क्रेडिट आप महेंद्र सिंह धोनी को दे रहे हैं सर। धोनी बिल्कुल देना पड़ेगा। देखिए देखिए जो जीता वही सिकंदर, और उन्होंने क्रिकेट भी अच्छा खेला ना। हमें देखिए हम जब एनालाइज करते हैं तो यही चीज देखते हैं भी कौन सी टीम अच्छा खेली है। आज आप उनकी बैटिंग देख लीजिए चेन्नई सुपर किंग की, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने पहली विकेट 110 शतक बिल्कुल। तो आप देख लीजिए, मेरे को तो पता लग चुका था कि आप ये आज ये 200 से ज्यादा रन बनाएंगे। सर आज देखिए दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली आपकी टीम है, बहुत सारे लड़के आपके हैं और आप सपोर्ट करते हैं हमेशा, लेकिन आज आप जमकर धज्जियां उधेड़ रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली को खूब क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज। लेकिन आपकी क्रिटिसाइज तो करना पड़ता ही है, क्योंकि देखिए जब आपकी टीम अच्छी है, अगर आप अपनी क्षमता के साथ नहीं खेलते तो क्रिटिसिज्म होना लाजमी है, वो उसमें कोई है नहीं है। इसमें अच्छी क्रिकेट खेलोगे, सब दर्शक हमारे जो है, हम देखने वाले, हम सब एनालिसिस जो करते हैं तारीफ करते हैं, बट अगर ऐसी क्रिकेट खेलोगे जहां पे 117 रन, इतनी बड़ी टीम लेके 117 रन पे आउट हो गए, तो लोचना तो होगी होगी ना।